आबिद बॉक्सर केस का मामला, आबिद बॉक्सर के खिलाफ दर्ज मुकदमात की मिसल गायब। आबिद बॉक्सर के खिलाफ लाहौर में 10 मुकदमात दर्ज हैं, 10 में से 8 मुकदमात की तफ्तीशी मिसाल नहीं मिल रही। इस हवाले से मजीद जानेंगे चीफ रिपोर्टर मुजाहिद शेख से। जी मुजाहिद शेख। हाँ जी बिल्कुल, आबिद बॉक्सर के केस के हवाले से जो तफ्तीश हो रही है, 10 मुकदमात दर्ज हैं लाहौर के मुख्तलिफ पुलिस स्टेशनों में, जिनमें से 8 जो मुकदमात ऐसे हैं और उनकी जो मिसलें हैं वो गायब हो चुकी हैं। और इस बात का इंकशाफ तब हुआ जब साबिक पुलिस इंस्पेक्टर आबिद बॉक्सर ने तब्दीली तफ्तीश के लिए SSP इन्वेस्टिगेशन को दरख्वास्त दी, और उस दरख्वास्त में जब बोर्ड पर तश्कील दिया गया तो वहाँ पर जब तफ्तीशी वहाँ पर पहुँचे तो उनसे पूछा गया कि इनकी मिसलें कहाँ हैं, तो मालूम ये हुआ कि इनकी मिसलें जो है वो काफ़ी अरसे से गुम हो चुकी हैं। और इसके बाद बोर्ड के अरकान ने जो है आइंदा बोर्ड के लिए तमाम तफ्तीशी अफसरान को मिसलें लाने की हदायत की है। और जब इस सिलसिले में SSP इन्वेस्टिगेशन मलक अवैध से हमारी बात हुई तो उनका ये कहना था कि तमाम मिसलें जो है अदालतों में हैं और उसके लिए हम अदालतों में दरख्वास्त देकर तो मिसलें वापस बुलाएंगे। लेकिन हमारे ज़राए का कहना है कि जब तक किसी मुल्ज़िम का चालान पेश नहीं कर दिया जाता और चालान मुकम्मल नहीं कर दिया जाता तो अदालतों में मिसलें जो हैं वो जमा नहीं कराई जाती हैं। तो इस मामले में काफ़ी जो है तफ्तीश पुलिस की जानिब से की जा रही है कि मिसलें जो हैं वो कहाँ गई हैं, और इस सिलसिले में SSP इन्वेस्टिगेशन ने मुख्तलिफ जो तफ्तीशी अफसरान हैं उनको आइंदा जो बोर्ड 10 में से 8 मुकदमात की तफ्तीशी मिसल नहीं मिल रही। शुक्रिया मुजाहिद शेख आपका, आप अपडेट कर रहे थे।